गर्दन पतीले में फंस गई। पतीले में गर्दन फंसाए तेंदुआ सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। जिसने भी इस तेंदुए को देखा उनके होश उड़ गए। पहली बार लोगों ने खूंखार तेंदुए को इतना बेबस और बदहवास देखा था। इस तेंदुए के साथ और क्या कुछ हुआ देखिए। खतरनाक और खूंखार तेंदुए को इतना बेबस निढाल बदहवास किसी ने नहीं देखा होगा। जिस तेंदुए के डर से लोग कांप जाते हैं, कोई पास फटकने की हिम्मत नहीं करता, वही तेंदुआ इतना बेबस हो जाएगा, ये उसकी हैरान करने वाली तस्वीर है। आखिर ऐसी तस्वीर कैसे आई, पतीले में कैसे फंसी तेंदुए की जान? आसपास खड़े लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन तेंदुए का डर इतना है कि कोई पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सबको इस बात का डर है कि कहीं पास जाएं और तेंदुए की गर्दन अचानक पतीले से निकल आए तो न जाने क्या होगा। इसी असमंजस में एक घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। तेंदुआ भाग भी नहीं सकता था क्योंकि गर्दन पतीले में फंसी थी और कुछ देख पाना मुमकिन नहीं था। सड़क पर घूमता हुआ वो अपनी गर्दन निकालने की जितनी कोशिश करता, पतीले में उसकी गर्दन और फंसती जाती। आपको बता दें कि ये तस्वीरें राजसमंद की हैं, जो राजस्थान में है। यहाँ के धौली माइनिंग इलाके में एक बड़ा हिस्सा वन विभाग का है। आए दिन तेंदुए यहाँ टहलते रहते हैं। यहाँ आम लोगों की आबादी नहीं, लेकिन वन विभाग और खनन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं। ये तेंदुआ ऐसे ही खनन विभाग के एक क्वार्टर में घुस आया था। पहले तो तेंदुए के पास जाने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ी, फिर कुछ लोगों ने तेंदुए की गर्दन पतीले में फंसी देख हिम्मत जुटाई। तेंदुए के पैर को रस्सियों से बांध दिया गया। अब तेंदुआ पहले से भी ज्यादा बेबस हो गया। इसके बाद तेंदुए की गर्दन पतीले के अंदर से निकालने की कोशिश शुरू हुई। अब तक उदयपुर में वन विभाग के मेन ऑफिस को खबर दे दी गई थी। एक घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद भीड़ को हटाया गया क्योंकि तेंदुआ बेहद गुस्से में था। अचानक पतीले से गर्दन निकलते ही वो लोगों पर हमला बोल सकता था। इसके बाद ये देखिए, तेंदुए को बेहोश करने की तैयारी शुरू हुई। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर मारा। तेंदुआ ट्रैंक्विलाइजर मारने के बाद थोड़ा शांत हो गया। एक अधिकारी तेंदुए की पूंछ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में खींच लाया। अब ये देखिए, कितनी आसानी से तेंदुए की गर्दन को पतीले के अंदर से बाहर निकाल लिया गया। पतीले को काटने की कोशिश भी नहीं की गई। जब तेंदुआ बेहोश हो गया तो आराम से पतीले को घुमाकर वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए की गर्दन बाहर निकाल ली। बेहोश तेंदुए को पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। इस तरह तेंदुए की जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए होंगे फौरन हाजिर।